खौफ नहीं आया ये सब करते हुए? तुमने मेरा बच्चा छीना है मुझसे, मैं तुम्हें दादी, दादी बचाए मुझे। इसमें तो कुछ है, ये दूध आप लेके आई है? हाँ, मीरा ने दिया था मुझे। क्या मिलाया तुमने इसमें? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्या मिलाया तुमने इसमें? मीरा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। जाग रहे हो हमसा? अरे अम्मी आप आइए बैठिए। ऑफिस से जब से आए हो ना चाय पी ना कुछ खाया पिया। अरे मैं बाहर था वहीं कुछ खा लिया। माँ से झूठ बोलोगे क्या? मैं जानती नहीं तुम्हें बाहर खाना पीना पसंद नहीं, या फिर भूख प्यास इसलिए मर गई है कि कहीं समन तुमसे दूर ना हो जाए। मैं नहीं होने दूंगी दूर, मैं शादी करवाऊंगी तुम्हारी, राबिया बहन के पास रिश्ता लेकर जाऊंगी। और आपने जो उनसे बात की रिश्ता खत्म करने की, उस साइन की वजह से? अरे बेवकूफी में वो बातें मेरे मुंह से निकल गई। बहनोई की हरकत का उस बच्ची से क्या ताल्लुक? अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरे। अम्मी आपको अंदाजा नहीं आपने मुझे कितना पुरसुकून कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई माँ अपने बेटे को बेसकून देख सकती है भला? हाँ चलो अब उठो खाना खाओ, भूख हड़ताल करके रखी हुई थी। हाँ आप चले, मैं आता हूँ। सीमा बेटा खाना लगाओ। हेलो, इतनी रात को कॉल, सब ठीक तो है ना समीना? सर कुछ ठीक नहीं है। तू रो क्यों रही है? रो नहीं तो और क्या करूं, रोना तो जैसे मेरे नसीब में लिख दिया गया है। देख तू मुझे साफ साफ बताएगी कि हुआ क्या है? इमरान की माँ उसकी दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। क्या, लेकिन क्यों? बुढ़िया ने जब से सुना है ना कि तू माँ बनने वाली है, से मेरा जीना हराम कर दिया है। उसको लगता है कि छोटी बहन अगर माँ बनने वाली है और मैं नहीं तो मैं बांझ हूँ। इस बुढ़िया का दिमाग तो नहीं घूम गया? मैं माँ बन रही हूँ तो उसे क्या तकलीफ है? मुझे नहीं पता सहर, मेरा रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा है। तू क्यों रोए जा रही है, तू पागल है? और ये इमरान का है, बात करवा मेरी उससे। अपनी माँ का मुँह नहीं बंद कर सकता वो? अरे उसे क्या, अभी भी बैठा हुआ है अपनी माँ के घुटनों में। मैं यहाँ रो रो के मर जाऊँ उस आदमी को कोई परवाह नहीं है। ऐसे कैसे फिक्र नहीं होगी उसे? और तू कोई लावारिस नहीं है। मैं खुद इमरान से बात करूंगी और अगर उसने ना सुनी तो अब्बा और साइम से कहकर उसे जेल करवाऊंगी। दो पुलिस के छितर पड़ेंगे ना तो शादी का सारा नशा उतर जाएगा। वाकई में तू ये सब करेगी मेरे लिए? तो क्यों नहीं करूंगी, बहन है तू मेरी। और अगर अगर फिर भी इमरान नहीं ना माना तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और नहीं तो क्या? पता है तुझसे बात करके बहुत हौसला मिलता है। और तू बता तेरी तरफ क्या चल रहा है? मत ही पूछ, मेरी तरफ तो इतना कुछ चल रहा है कि मजा ही आ रहा है। मुझे भी कुछ पता क्या हो रहा है वहां पे। ऐसा क्या मजेदार बातें बताई हैं तूने, तेरे तो ऐश करने के दिन करीब आ गए हैं। ये तो है, बस तू दुआ कर कि साइम का दिल मीरा की तरफ से खराब ही रहे। रहेगा। वैसे ये बता कि ये साइम है कहाँ पर? होगा अपने कमरे में। तेरा बिना वैसे कोई हाल नहीं है, कुछ ऐसा कर कि साइम मुकम्मल तौर से तेरा हो जाए। वो कैसे? जो मैं तुझे बताती हूँ ना, अब तू मेरी बात गौर से सुन। अरे वाह समीना, तेरा तो जवाब ही नहीं। जाने ये बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती। तेरा नाम समीना नहीं है ना? बस बस ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं,
थोड़ी देर पहले ही मेरे आगे आंसू बहा बहा के रो रही थी। हाँ तो बहन के सामने नहीं रहूंगी तो किसके सामने रहूंगी, दिल भी तो हल्का करना था मैंने। अच्छा सुन, चल ठीक है, मैं तुझसे दिन में बात करूंगी। चल ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे वाह, क्या मशवरा दिया है समीना ने। बस अब किसी तरह साइम शीशे में उतर जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। हेलो, तबीयत ठीक है? आवाज भी इतनी नकाद। हाँ ठीक है, अम्मी के पास थी, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। क्या हुआ आंटी को, खैरियत? अम्मी का बीपी शूट हो गया था, दवा देके आई हूँ, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तुम कहो, फोन क्यों किया था? ऑफिस में तो बड़ी बदतमीजी करके गए थे। सॉरी समन, गुस्से में था। आई नो समन, मैं किसी सूरत में खोना नहीं चाहता। साइम के बारे में सुन के अम्मा ने जिस तरह रिश्ते से मना किया था, मैं तो सहमजा गया था, और इसी वजह से तुमसे भी रूठ हो गया और घर वालों से भी तल्ख हो गया। लेकिन अब आखिरकार अम्मी को रियलाइज हो गया है कि साइम वाले मामले में तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का कोई कसूर नहीं है। हमजा, जब मेरा कोई कसूर ही नहीं था तो फिर तुम्हारी अम्मी ने रिश्ता खत्म करने की बात क्यों? आप मेरी खुशियां भी दूसरों के गुनाहों का बोझ उठाएंगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, गुड न्यूज़ ये है कि कल अम्मा तुम्हारे यहाँ तारीख लेने के लिए आना चाहती है। नहीं हमजा, अभी तुम अपनी अम्मी को रोको, कुछ दिन बाद बुलवाऊंगी। क्यों? मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्द अज जल्द हमारी शादी की डेट फिक्स हो, शादी हो। तुम रुकने का कह रही हो? मैं कह रही हूँ ना हमजा, थोड़े दिन रुक जाओ। क्या प्रॉब्लम है? हम सब मीरा की वजह से बहुत परेशान है। साइम भाई उस मासी की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो गए कि उन्होंने मीरा पर अपने बच्चे के साथ साथ मासी के बच्चे के कत्ल का भी इल्जाम लगा दिया। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अम्मी अभी अभी आई है मीरा के घर से और बहुत परेशान है, और इस सब में अब तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम प्लीज अपनी अम्मी को कुछ दिन बाद बुलवा लेना। साइम और उसकी कहानी कभी खत्म भी होंगी? चाहता क्या, ये शख्स जान का अजाब बन गया। मीरा जैसे शख्स को छोड़ क्यों नहीं देती है? तमाशा लगा के रखा तुम्हारे खानदान में। समझ मैं कब तक और कहां तक लड़ूंगा तुम्हारे लिए। और हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर यही सब चलता रहा तो मुझे खो दोगी समझ। हमजा मेरी बात, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बहुत खतरा लग रहा है यहाँ पे। किस चीज का खतरा? सैम, आप प्लीज चलकर मेरे कमरे में सो जाए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है? सैम, आपने देखा नहीं, मीरा बाजी मेरे और मेरे बच्चे के खून की प्यासी हो गई, वो मुझे मार देंगी। सैम, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। सैम, वो ऐसा कर सकती है, आपने देखा नहीं कैसे वो छुरी लेकर सबको जान से मारने की धमकी दे रही थी, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। साइम, वो कुछ भी कर सकती हैं। ना साइम, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, खौफ के मारे तो अब मेरी तबीयत खराब होने लगी और आप कह रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अच्छा होता कि मैं वो दूध पी लेती तब आपको यकीन आता, और उस दिन तो वो किचन में उन्होंने क्या हुआ था किचन में? नहीं वो कुछ भी नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि आप चल के मेरे कमरे में सो जाए, मुझे डर लग रहा है। पहले ये बताओ कि किचन में क्या हुआ, क्या छुपा रही हो मुझसे? नहीं भला, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? फिर सच बताओ। साइम, अब जाने देना, बिला वजह ही दिलों में फर्क आ जाएगा।
शहर मुझे बता रही हो या नहीं? अब ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, लेकिन वादा करें ना तो आप इस बारे में किसी से पूछेंगे और ना ही किसी को कुछ कहेंगे, वरना सबको यही लगेगा कि मैंने आपको भड़काया। सुनने के बाद फैसला करूंगा क्या करना है और क्या नहीं। वो दरअसल अस्पताल जाने से पहले मीरा बाजी ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारने की कोशिश की, कह रही थी अगर मेरा बच्चा नहीं बचा तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो तो दादी अम्मा बीच में आ गई और उन्होंने बचा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक बेलन मेरे पेट पे मार दिया था। क्या क्या क्या, और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? अब देखे ना, अगर मैं आपको बताती तो आपको यही नहीं लगता कि मैं मीरा बाजी की तरफ से आपको भड़का रही हूँ, इसीलिए दादी अम्मा को भी मना किया था। वैसे मुझे मीरा बाजी से पूरी हमदर्दी है। वो हमदर्दी के लायक नहीं है। पता नहीं साहब मीरा बाजी को क्या हो गया, पहले बेलन से मारा, फिर दूध में जहर मिला के दे दिया, और अब छुरी लहरा के सबको जान से मारने की धमकी दे रही थी। सच कहूं साहब, मुझे मीरा बाजी से बहुत डर लग रहा है, न जाने वो क्या चाहती है। आप मेरे कमरे में चल के सो जाएं या फिर दादी अम्मा से कहें कि मुझे अपने कमरे में सोने दें। नहीं नहीं, हो सकता है मीरा बाजी वहां भी आकर मुझे मारने की कोशिश करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आओ तुम यहीं सो जाओ, यहां मीरा नहीं आएगी। नहीं रहने दे साहब, आपको खामखाई तकलीफ होगी। नहीं होगी, आ जाओ। तुम इतनी सफाक निकलोगी मुझे अंदाजा नहीं था। मुझसे नफरत में तुम इतनी आगे चली गई कि मुझे दुख देने के लिए मेरे बच्चे का कत्ल कर डाला तुमने। दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। मीरा चाय वापस ले जाओ, मुझे पीनी होगी तो मैं खुद बना लूंगी। पता नहीं क्या डाल दिया होगा तुमने इसमें। तुमसे ये उम्मीद मुझे हरगिज नहीं थी मीरा। जिस लड़की को बरसों मैंने अपनी बेटी कहा, उसको समझने में शायद मुझसे ही गलती हो गई। ये मेरी मीरा नहीं, मेरी मीरा तो बहुत नर्म दिल थी, दर्दमंद दिल रखती थी। ये तो कोई और ही औरत है, एक हासिद औरत जो अपनी सौकन के जलापे में मासूम जानों का कत्ल करने से भी दरेर नहीं करती। दुख ये नहीं है कि आप मुझे औरों जैसा समझती हैं, दुख ये कि मैं आपको औरों जैसा नहीं समझती थी। यकीन था कि दुनिया कोई भी इल्जाम लगाए, लेकिन आपको अपनी मीरा पे यकीन होगा, लेकिन नहीं। जहां अपने खून पे बात आती है वहां कोई गिला बचता ही नहीं। मुझमें आपको झुटलाने की हिम्मत नहीं है अम्मी, लेकिन सच खुद आपके सामने आ जाए।
क्या हुआ? जलन हुई ना है? मीरा, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। मैं जानती हूँ कि दूध में भी जहर तुमने खुद डाला था ताकि सबकी नजरों में मैं गिर जाऊं, तुम इस कमरे तक पहुंच सको। और देखो, मैंने ये सब कर लिया और पहुंच के इस कमरे तक। देख रही हूँ, सब देख रही हूँ और मजीद देखना चाहती हूँ कि तुम और कितना गिर सकती हो। तुम्हें इस घर से निकालने की आखिरी हद तक। गिरो और गिरो, क्योंकि तुम जितना गिरोगी उतना तुम्हारे साथ बुरा होते हुए देखकर मुझे कम तकलीफ पहुंचेगी। तकलीफ? तकलीफ? लगता है मीरा, तुम्हारे साथ इतना सब हो गया है ना, तो तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हो। वरना देखो ना, मेरे साथ क्या बुरा होगा, मैं तो अभी अभी साइम के पहलू से उठकर आई हूँ। बड़ी ही दिल फरेब सुबह थी। अच्छा छोड़, तुम्हें वो दरवाजा याद है? याद तो होगा ही, भूल कैसे सकते हो? ये वही दरवाजा है जिससे बिना इजाजत अंदर आने की गलती की थी तुमने। अब देखो ना, तुम्हें क्या जरूरत थी बिना इजाजत अंदर आने की? बेल बजा सकती थी या फिर साइम को फोन करके बता देती कि मैं आ रही हूं। लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी बदबख्ती को बुलाने का इतना शौक था कि तुम सीधा ही अंदर चली आई। ना तुम हम दोनों को साथ देखती और ना मुझे खुलकर तुम्हारे सामने आना पड़ता। सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चलता रहता। मगर नहीं, तुमने कहा तुम सच का पता लगा कर रहोगी, तो लगा लो पता। क्या कर लिया तुमने सब जानकर? क्या मिला तुम्हें आखिर में मेरा? दुख? ये आंसू? या फिर ये थप्पड़? एक बात बताऊं, तुम्हें ऐसे देख कर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। इस बंदरवाज़ ने मुझ पे हकीकत के कई दर खोल दिए। मुझे ये सच दिखाया कि कैसे एक दो टके की मासी मेरा झूठा खा रही थी। अपनी बकवास बंद कर। चुभाना, सच चुभता है। और तुम जो खुशी का नाटक कर रही हो, ये सब एक फरेब है। और जैसे तुम इस फरेब से निकलोगे, तुम्हारा दामन आंसुओं से भर जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि झूठा खाना हजम नहीं। फैसला कर लिया है मैंने, मीरा को तलाक दूंगा और हसन को अपने साथ रखूंगा। दे तलाक। इनफैक्ट अब मैं खुद भी इस पार्टनरशिप को खत्म करने के बारे में सोच रहा हूं। गुड लक फहद। मेरे खुदा, कुछ रहा तो दिखा। अम्मी, मुझे बहुत अफसोस है, घर में इतनी बड़ी बात होगी और आपने मुझे बताया था कि मीरा ने सहर को मारा, और इतना मारा कि इसकी तबीयत खराब होगी। साइम, बस जाने भी देना, छोड़ दे इस बात को। क्यों जाने दूं? क्यों? और अगर मैंने तुमसे सख्ती से ना पूछा होता, तुम तो मुझे बताती भी ना। लेकिन अम्मी, आप तो मुझे बता सकती थी ना। या भी आपको अपनी चहेती बहू में कोई बुराई नजर नहीं आ रही? बेटा, शहर ने मुझे मना किया था इसलिए। जी, मैंने मना किया था दादी को, और अगर आप मुझ पर जोर ना डालते तो मैं आपको अब भी ना बताती। साइम, आप पहले ही बाजी पर इतना गुस्सा है,
अगर ये बात भी सुनते तो आपको और गुस्सा आता। मैं बस इसीलिए छुपा रही थी। क्या मिल गया सबको छुपा के? मिला दिया ना उसने दूध में जहर। और जहर अगर तुम वो दूध पी लेती गलती से तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता या मेरे होने वाले बच्चे को तो कौन जिम्मेदार होता? अब क्या गारंटी है कि वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी? से भी रात को जिस तरह वो छुरी लेके घूम रही थी ना, अब तो मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं रहा। बेटा पता नहीं मीरा को क्या हो गया है, सब कुछ देखने के बावजूद अकल नहीं मानती मेरी। अम्मी आपको तो अब भी वो मासूम ही लग रही। और क्या हुआ, वो आई तो थी उसकी माँ उसको लेने के लिए, क्यों नहीं गई है साथ? कौन है उसको यहाँ रोकने वाला? साइम, साइम आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बाजी क्यों यहाँ से जाएंगी? ये घर उन्हीं का तो है ना दादी? तुम चुप करो। बेटा राबिया ने तो बहुत कोशिश की मीरा को यहाँ से ले जाने की, लेकिन मीरा ने फैसला कर लिया वो यहीं रहेगी। लेकिन मैं अब उसको एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी बीवी और बच्चे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता मजीद, इसलिए मैंने भी एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? ये कि मैं मीरा को तलाक देने लगा। बहुत ही फजूल किस्म का फैसला किया तुमने। मैं अब उस पागल औरत को इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन साहब हसन का तो सोचो, इस सब में उस बेचारे का क्या कसूर है? उसकी जिंदगी क्यों तुम दो पार्टों में बांट रहे हो? अम्मी कर लेगा वो हैंडल, वो बहुत समझदार बच्चा है। और फिर आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिंगल पेरेंट्स के साथ बिल्कुल खुश रहते हैं। लेकिन साहब ऐसे बच्चों की जिंदगी आसान नहीं होती, तुम क्यों अपने बच्चे को मुश्किल में डाल रहे हो? क्या चाहती हैं आप अम्मी? मैं उस औरत को मजीद मौका दूं कि वो मेरे दूसरे बच्चे या बीवी को नुकसान पहुंचा सके? बस फैसला कर लिया है मैंने, मीरा को तलाक दूंगा और हसन को अपने साथ रखूंगा। दे तलाक मीरा। अम्मी आप फिक्र मत करें, हसन को कुछ नहीं होगा, वो अपनी माँ के साथ रहेगा और सर उठा के जिएगा। और अगर किसी बतकेदार इंसान को लगता है कि मैं उसके साथ अपना बेटा छोड़ दूंगी तो इससे बड़ी भूल नहीं है। मैं कोर्ट में केस करूंगी और पहली हेयरिंग में ही उसके किरदार की धज्जियां उड़ा के अपना बेटा अपने साथ ले जाऊंगी। जी तो मिस्टर साइन, पहले आप तलाक दे रहे हैं या मैं केस फाइल करूं? खैरियत है, इतनी देर हो गई, साइम साहब अभी तक ऑफिस नहीं आया। आता ही होगा, शायद कोई जरूरी काम आ गया। क्या ये सच है जो सुना है? मैं कुछ समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुना है साइम साहब ने दूसरी शादी कर ली है और वो भी एक मासी के साथ। आपको कोई गलतफहमी हुई है? मेरे इल्म में से कोई बात नहीं है। देखें फास साहब, आप हमारे पुराने दोस्त हैं और आपको पता है कि बिजनेस कम्युनिटी में ज्यादा देर कोई बात ढकी छुपी नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर आया तो बिजनेस मीटिंग के लिए था, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारी कंपनी आपके साथ मजीद आगे काम नहीं कर सकती। लेकिन जफर साहब आप मेरी बात तो सुने, आप ऐसे कैसे ये डील कैंसिल कर सकते हैं? हमारा पैसा आपकी कंपनी पे लगा हुआ है और हमारे शेयर्स वो। देखें फास साहब, जब कंपनी का पार्टनर ही इतना गैर जिम्मेदार हो तो उसके साथ मजीद कैसे आगे काम किया जा सकता है? और वैसे भी साइम साहब का नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हमारी कंपनी उनके साथ आगे काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूँ, आप मेरी बात को भी यकीन रखें और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आगे से आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। तो दैट्स इट यार। देखें फास साहब, मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आया तो यहाँ पर अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए था, लेकिन बहुत से सच जानकर जा रहा हूँ। मेरा आपको भी यही मशवरा है कि जितने जल्दी हो सके साइम साहब से अपने रास्ते जुदा कर लें, यह आपके लिए भी बहुत बेहतर है। चलता हूँ मैं जी, एक्सक्यूज मी। अरे सर,
तुम क्यों घर छोड़ के जा रही हो मेरा? मैं साइम को समझाऊंगी, वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। उस वक्त गुस्से में था इसलिए ऐसा कुछ कह के चला गया। जरा सोचो मीरा, ये बात अदालत तक जाएगी तो हम सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी, खासतौर से साइम की और उसके साथ साथ तुम्हारी। इज्जत? आपको लगता है कि साइम ने मेरी इज्जत रखी है? आप फिक्र मत करें, जब तक आपका बेटा मुझे तलाक नहीं दे देता मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। रही बात इज्जत की, तो जब साहब खेल शुरू करेंगे जवाब भी मिलेगा। मेरा मैंने तुमसे कहा ना, साहब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको अदालत जाना पड़ेगा। और ये सब इतने सारे कपड़े? बस शाम तक अम्मी के घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ी तब्दीली की जरूरत है। क्या मेरा दम घुट रहा है? ठीक है, जरूर जाओ, एक आध दिन के लिए चली जाओ, वो भी तुम्हारा घर है, लेकिन तुम्हारा असल घर ये है। चूने ईंट पत्थर सीमेंट के बने हुए घर को घर नहीं मकान कहते। घर वो होता है जहां मकीन अपने हो, और जहां मकीन ही अपने ना हो वो घर किसी सराय से कम नहीं। सब अच्छा चल रहा था, साइम मीरा को तलाक देने ही वाले थे, लेकिन ये बुढ़िया इसको अचानक से अपने पोते की फिक्र खाने लगी, और ऊपर से मीरा ने आके केस वाली बकवास की। बहुत शातिर है ये मीरा, इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता अगर बच्चे के साथ साथ ये भी मर जाती तो। हमजा, कि मलिक इंटरप्राइजेस की फाइल है, मैंने चेक कर ली है, एक दफा तुम भी चेक कर लो। श्योर। एंड वन मोर थिंग, हादी कंपनीज की मेल आ गई है, आई विल फॉरवर्ड यू। तुम नाराज हो? नहीं तो हमजा, मैं जानती हूँ जो कुछ हो रहा है तुम उन सबसे तंग हो, लेकिन खुश मैं भी नहीं हूँ यार। मेरी फैमिली इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। I can understand. You don't understand. अगर तुम समझते ना तो इस तरह नाराज ना होते। सुमन, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझ रहा या तुम मुझे नहीं समझ रही? तुम्हें जरा सा अंदाजा है मेरी कंडीशन का? मैं सब कुछ इतनी मुश्किल से जोड़ने की कोशिश करता हूँ और तुम दोबारा तोड़ने का सामान ले आती हो। कमाल की बात यह है कि तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं। क्या कहा है मैंने तुमसे? सिर्फ कुछ दिन रुकने के लिए कह रही हूँ। नहीं रुकना मुझे, इसमें नहीं है हौसला तुम्हें खोने का, और मैं मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं खोना चाहती तुम्हें हमसा, जो डर तुम्हारे अंदर है ना वो डर मेरे दिल से भी लगा हुआ है। मैं अम्मी से बात अब्बा ना हमेशा बना बनाया खेल बिगाड़। मैं भी इसका फोन नहीं उठाऊंगी, देखती हूँ कब तक करेगा।
अच्छा, अपने बाप का फोन नहीं उठा रही। सहर, बच्ची है तो मेरी है। अब देख तेरा बाप क्या करता है। अस्सलामुअलैकुम। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए, बहुत याद कर रही थी मैं तुम लोगों को। अस्सलामुअलैकुम नानू। वालेकुम सलाम नानू की जान, कैसे हो? चले आपने याद किया और हम आ गए। अच्छा आओ ना अंदर, तो ऑफिस समन ऑफिस में होगी। अरे हाँ ये लड़की, तुझे समझ नहीं आ रही, मुझे साहिम से मिलना है। देखिए आप मुझे लड़की कहकर सर मुखातिब नहीं करें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सर इस तरह किसी से नहीं मिलते। आपको जो भी काम है मुझे बता दें। क्यों नहीं मिल सकता? मैं काम उसी को बताऊंगा, उसका कमरा कहाँ है वो बताओ। आप बिना अपॉइंटमेंट सर से नहीं मिल सकते, आप जो भी काम है मुझे बता दें, मैं सर से पूछ लेती हूँ। सर ये जिद कर रहे साहिम सर से मिलने के लिए, ना काम बता रहे ना ही अपना तारुफ करवा रहे। हाँ भाई कौन हो तुम और किस सिलसिले में मिलना? ओ मियां, ससुर हूं मैं साइम का। अब क्या साइम से मिलने के लिए उसके दो टके के नौकरों से इजाजत लेनी पड़ेगी? वाह वाह, ऑफिस तो बड़ा बढ़िया बना है। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो मिलते नहीं हो ना, घर जाओ तो शहर भगा देती। क्या काम है? वो मादरसी गई थी कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा तुम्हारा दफ्तर आ गया तो मैंने कहा चलो लगे आ तो थोड़े पैसे ले। इस दफा तो तुम आ गए हो, अगर आइंदा आए ना यहाँ पर सीधा पुलिस को फोन करूंगा मैं। मैंने इतनी अच्छी बेटी निकाह में दी और बदले में तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। धमकी नहीं दे रहा, तुम जैसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो हर जगह अपनी बेटी का सौदा करता फिरता है। हमारी इस जगह हवालात में ही है। देखो मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे, पैसे दे दो मैं खामोशी से चला जाऊंगा। नहीं है तुम्हारे लिए पैसे, बेहतर यही होगा कि चले जाओ यहाँ से। बहुत बुरा कर रहे हो तुम अपने साथ। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं किसके साथ बुरा होता है, करता हूँ फोन पुलिस को। नहीं नहीं पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है, मैं चला जाता हूँ। ये क्या कह रही है अम्मियाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा, वीरा किसी को कत्ल करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? अरे बेटा तुम्हें तो मेरी बात सुन के एतबार नहीं हो रहा ना, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है फिर भी मुझे यकीन नहीं आता। अम्मी लेकिन सच जो आप बता रही हैं अम्मी उसे मानना वाकई बहुत ही मुश्किल है, वीरा बहुत सुलझी हुई लड़की है अम्मी। हाँ बेटा मेरी जबान तो आज भी उसकी तारीफें करते नहीं थकती, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना भाई। मीरा ने खुद जहर से भरा दूध का ग्लास मेरे हाथ में दिया सैर को देने के लिए, वो तो उस बच्ची ने मुरवतन बिल्ली को डाल दिया तब हम पे सारी हकीकत खुली, वरना तो आज हम सब सैर के कत्ल के इल्जाम में थाना कचहरी कर रहे होते। नहीं क्या सच है क्या झूठ, मेरा दिल नहीं मान रहा। हमें ये भी तो हो सकता है ये शहर की कोई चलाकी हो। नायला शहर की चलाकी इसमें कैसे हो सकती है भला, वो तो साइम के साथ उसी वक्त आई थी, कुछ खाने से इनकार कर रही थी तो मैंने और साइम ने कहा कि दूध के साथ दवा ले ले। हमी मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रही, आप ठीक ही कह रही होंगी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जितना मैं मीरा को जानती हूँ थोड़ा बहुत मैं उस लड़की सहर को भी जान गई, वो एक नंबर की चलाक लड़की है। नायला अब अम्मी ने खुद अपनी आंखों से देखा है तो झूठ तो नहीं हो सकता ना? हाँ सही है, लेकिन मैं तो खुद इस कश्मकश में हूं कि मीरा ऐसे कैसे कर सकती है।
नाइला, सौकर का जलापा बहुत बुरा होता है। मेरा में लाख अच्छाइयां सही, लेकिन शायद जलापे में आके वो ये सब कुछ कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऑफिस में क्या चल रहा है साइन? क्या हुआ फार? ये ऑफिस है या कोई प्लेटफॉर्म? कभी कोई मासी आके तमाशा कर जाती है, कभी मासी का बाप खुद को तुम्हारा ससुर कह के मुखातिब करता है। देखो साइन, ऑफिस से बाहर तुम्हारी जो भी रेपुटेशन है या तुम जो कुछ भी करते फिर रहे हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन ऑफिस के अंदर ये तमाशा, इट्स अनएक्सेप्टेबल। जानते हो ऑफिस के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या तुम्हारे इल्म में है ये बात? नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। भले तुम्हें दिलचस्पी ना हो, लेकिन मुझे है। साइमी, ऑफिस तुम्हारा अकेले का नहीं है, इसमें मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। इस ऑफिस का प्रॉफिट और लॉस तुम्हारे अकेले का इशू नहीं है। एंड कट टू द पॉइंट, मुझे मेरे प्रॉफिट और लॉस की फिक्र है जो कि तुम्हारी रेपो के साथ जुड़ी हुई है। यार, अब ऐसा भी क्या हो गया कि तुम ये सब कुछ कह रहे हो? व्हाट? ऐसा क्या हो गया ये तुम मुझसे कह रहे हो? क्या तुम्हें ऑफिस के लोगों की शक्लें दिखाई नहीं दे रही? उनकी आंखों में चुपते हुए सवाल तुम्हें नजर नहीं आ रहे? यार, हर रोज का एक नया तमाशा। देखो साईं, तुम्हें ना हो, लेकिन मुझे उस ऑफिस का सुकून बहुत अजीज है और मैं मजीद बर्दाश्त करने की मूड में नहीं हूं। घोट से एक साईं, कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी में तुम्हारा नाम मासी के साथ लिया जा रहा है, और ये सब कंपनी के साथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। खैर, अब तुमसे क्या कहना, इनफैक्ट अब मैं खुद भी इस पार्टनरशिप को खत्म करने के बारे में सोच रहा हूं। गुड लक फहद। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा खुदा।